यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सपा और उनके सहयोगियों के रिश्ते कुछ टूटते नजर आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ शिवपाल यादव के साथ भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से चाचा भतीजे के रिश्तों में दरार आ चुकी है। अखिलेश यादव से शिवपाल ने किनारा करना शुरू कर दिया है, तो क्या अलग हो जाएंगे एक बार फिर से चाचा भतीजे और ओपी राजभर क्या कदम उठाने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, दो दिन से मैं इंतजार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। चाचा भतीजे के रिश्तों में दरार, क्या टूट जाएगा गठबंधन? क्या शिवपाल यादव बदलेंगे अपना पाला? आज की सियासत में ये सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं कि चाचा भतीजे का सियासी रिश्ता एक बार फिर टूट जाएगा क्या। दरअसल 26 मार्च को विधायक दल की बैठक के बाद से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्तों में दरार पड़ने लगी, जिसके बाद से सपा गठबंधन में खलबली मची हुई है। इसी पर ओपी राजभर ने भी एक बड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया है। अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक में अपने चाचा शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया था, जिसके बाद से शिवपाल यादव अखिलेश यादव से बेहद नाराज है। नाराज शिवपाल यादव ने दिल्ली जाके सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी की थी। अब इस नाराजगी के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल फिर से अपने भतीजे अखिलेश यादव से दूर हो जाएंगे। दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों के साथ लखनऊ में मीटिंग की थी। इस दौरान आरएलडी के विधायक राजपाल बालियान, अपना दल के प्रतिनिधि के साथ साथ सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ शिवपाल सिंह यादव को भी बुलाया गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए। ये बैठक तकरीबन एक घंटे तक चली, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि शिवपाल का बैठक में ना पहुंचना बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक बार फिर से अलग हो जाएंगे? देखिए, दो दिन से मैं इंतजार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है, जबकि देखिए मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। हालांकि बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को लेकर कहा कि उन्हें इस बैठक की सूचना जल्दी में दी गई थी, उस वक्त वे दिल्ली में मौजूद थे, उनको दोबारा बुला लिया जाएगा। ओपी राजभर ने आगे कहा कि मैं खुद उनके घर जाऊंगा और उनसे बात भी करूंगा। देखिए, दो दिन का जो कार्यक्रम रहा है विधानसभा में, ये पहला तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। आज 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था और चुनाव के बाद सभी लोगों ने उनको अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है और उसके बाद कार्यक्रम सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। मंगलवार को शिवपाल यादव इटावा के भरतना तहसील के नगला राजा गांव में आयोजित भागवत कथा में शामिल हुए। ऐसे में वे सपा के गठबंधन दलों की बैठक में शामिल नहीं हो सके। अब चाचा भतीजे के रिश्ते में पड़ती खटास से सपा पर क्या असर पड़ेगा? क्या एक बार फिर से चाचा भतीजे को अलग होकर राजनीति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? शिवपाल यादव अब आगे क्या कदम उठाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चित्रा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज़।